नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तीन चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पूरा आपको जोर शोर से यहां पर प्रचार प्रसार दिखता रहेगा। मुख्यतः दो धरे के बीच में यह चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि होगा, जो महागठबंधन है और NDA है, इन दो पार्टियों को ही जनता जान रही है। लेकिन कई सारे क्षेत्रीय दल और छोटे छोटे दल भी हैं जो अग्रसर अपनी भूमिका इस चुनाव में देख रहे हैं, और उनका मानना है कि जनता के पास अगर हम जमीनी मुद्दे को लेकर जाएंगे तो जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस पार्टी के कार्यालय में है वो है असली देसी पार्टी, और नाम भी बड़ा यूनिक लगा हमें, और इसलिए हमने बातचीत करने के लिए ललन जी को चुना। ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। ललन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल। चलिए, आपका भी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ इस चैनल को बहुत बहुत स्वागत। ललन जी, सवाल ये है कि बिहार की राजनीति को समझने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, और इसमें दो दलों को मुख्यता दी जा रही है। चाहे मीडिया देखिए आप या अन्य जगहों पर देखेंगे तो प्राथमिक तौर पर उन्हें देखा जाता है। ऐसे में औपचारिक तौर पर आप लोग अपने दल को कहाँ देख रहे हैं, आप लोग किस हद पर मेहनत कर रहे हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर भी मैंने देखा कई जगह आपके चुनाव प्रसार जो है वो काफ़ी उच्चतर स्तर पर किए जा रहे हैं। महोदय, सवाल पानी का नहीं है, सवाल प्यास का है, सवाल पुराने राजनीति का है, सवाल व्यवस्था परिवर्तन का है, सवाल भ्रष्ट नेताओं को दरकिनार करने का है, सवाल बिहार के विकास का है, सवाल वर्षों से समस्याओं से ग्रसित बिहार अब पुराने नेताओं के चंगुल से उबरना चाहता है, सवाल का जवाब एक नया बिहार चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन की लहर है, आदरणीय सुशासन भाव के लिए जहर है। आज हमारा देश राजनीतिक तौर तरीके से इतने प्रकार से धूमिल हो गया है कि अब इस धूमिल राजनीति को साफ करने के लिए, या अथवा ये कहें कि राजनीतिक में फैली हुई गंदगी को साफ करने के लिए एक नए प्रकार के क्रांति की जरूरत है। उस क्रांति के रूप में असली देसी पार्टी के नेतृत्व में बहुत सारे घटक दलों की सहमति से एक सुपर गठबंधन का ऐलान हुआ है। इस बार अब तक जो नहीं कटा है आरी से, वह जड़ से कट जाएगा इस बार असली देसी पार्टी और सुपर गठबंधन की तैयारी से। देखिए, हमारा बिहार बदहाल है, हमारे बिहार की स्थिति संकट में है। आज 1974 की लहर है, आपातकालीन की व्यवस्था है। आपातकालीन जैसे इस लहर में एक नए प्रकार के राजनीति की जरूरत है। बिहार का जनमानस एक नए प्रकार के राजनीति को उभार करके बिहार में एक नए प्रकार का विकल्प देने को तैयार है, क्योंकि 15 साल अब बनाम 15 साल का शासन खा गया सरकारी का सब राशन और सरकारी राशन का सभी भाषण। हम तो ये कह देना चाहते हैं कि खबर भेज दीजिए वैसे भ्रष्ट नेताओं को कि सुपर गठबंधन की रफ्तार आ रही है,
होश हवास ठीक कर ले। ललन जी यहाँ पर आपको रोकेंगे और थोड़ी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक तरफ होता है कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए ज़्यादातर एंगल देखा जाता है कि आप राजनीति में आ जाइए। आपका जो मूल रूप जुड़ाव रहा है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है और ये खबर मिली है कि आपने काफ़ी मुकाम हासिल किए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। उसके बाद ये कब ख्याल आया कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी को बिहार के इन चुनाव में कई जगह पर अपने कैंडिडेट खड़ा करके और बदलाव की ओर ले जाएं? पत्रकारिता के जरिए भी आप जा सकते थे। महोदय, सवाल पूछते पूछते जब आदत मुसीबत में फंस जाती है तो सफलता को हासिल करने के लिए एक नए प्रकार के फैसला को चुनना पड़ता है। उस फैसले के स्वरूप में राजनीति को हमने अहम निर्णय लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया और राजनीति विनाशक नहीं बनेगी, ऐसा जतन करेगी। स्वच्छ राजनीति गरीबों का उत्थान करेगी लेकिन पीछे नहीं हटेगी। पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है और क्या क्या मैनिफेस्टो आप लोग लाए हैं बिहार की जनता के? श्रीमान, बिहार में शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में ध्वस्त के कागार पर है। सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी पाने लायक नहीं है। हालात जर्जर है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी गड़बड़ है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब रोगियों का इलाज भगवान भरोसे चलता है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। गोलियों की थरथराहट और गुनगुनाहट की आवाज़ों से परेशान और त्राहिमाम बिहार एक नए प्रकार का विकल्प चाहता है, एक नए प्रकार की राह चाहता है। थोड़ी सी जगह मिल जाए, एक नई रफ्तार चाहता है, एक नया बिहार चाहता है। आज बिहार में दिन में पीसी और रात में सीसी लेने वालों से हर जगह भटकने वाले एक दूसरे को ब्लैकमेल करने को तैयार है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बिहार की व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई है कि यहाँ इंसान लोग सर झुका के चल रहे हैं, अब बेईमान लोग छाती तान के सर उठा के चल रहे हैं। हम तो कह देना चाहते हैं कि जब तक बेईमानों को बारी बारी से अपमानित नहीं किया जाएगा तब तक इंसान लोगों का सड़क पर छाती तान के चलना दुश्वार नजर आएगा। क्योंकि ना हीरो चाहिए ना रंगदार चाहिए, बिहार को नेता वफादार चाहिए जो रखे हर एक मुल्कों का ख्याल, गरीबों का ख्याल, दलितों का ख्याल, पिछड़ा और अति पिछड़ों का ख्याल। ऐसा ही नेता ईमानदार चाहिए, ऐसा ही नेता ईमानदार चाहिए। तो हम बात कर रहे थे ललन यादव जी से, जो असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका मानना है कि बिहार में इस बार जो नेता है वो वफादार चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर इनकी पार्टी भी अपनी किस्मत बिहार चुनाव में आजमा रही है। लगातार बिहार से जुड़ी हर खबर पर हमारी नज़र है। आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। नमस्कार।